एनकाउंटर पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, यूपी की एनकाउंटर पॉलिटिक्स की बात। वहां किस तरह से माफिया और मठ की तुलना करने पर अखिलेश यादव से माफी की मांग होने लगी है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते उसका एक और परिचय आज अखिलेश यादव जी ने दिया है। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर हाथिया पढ़ने वाले लोग हैं। मठ और मंदिर की बात मतलब इस भारत के सभी जो भारत की सनातन और जो हमारे भारतीय संस्कृति है उसका एक तरीके से अपमान है और ये उचित नहीं है। शैलेश राजभर को गोली किसने मारी उस घटना में, आज वो भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उस पे तो अखिलेश जी का बयान नहीं आ रहा है। समाज के सारे गलत काम को माफिया करते हैं और इस प्रकार की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी समय उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर दिया हो उसके द्वारा कहा जाना बिल्कुल निंदनीय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और भी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो इस प्रदेश का जहाँ पर सबसे अधिक मठाधीश संतों का निवास है वहाँ के पूर्व मुखिया का बयान बहुत ही निंदनीय है। संतों की बुराई करना बहुत कठिन काम होता है और इन्होंने जिस प्रकार से संतों के साथ ये जो शब्दों का प्रयोग किया है ये अपने आप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को। देखिए एनकाउंटर के खिलाफ बोलते बोलते या मंगेश यादव के पक्ष में बोलते बोलते मठों के खिलाफ बोल गए अखिलेश यादव, माफी की मांग हो रही है। संत समाज सड़कों पर है, संत समाज की सनातन के खिलाफ अखिलेश यादव की टिप्पणी सोच समझकर की गई है। सब एनकाउंटर को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। एनकाउंटर फर्जी साबित करने के लिए, योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव हर दिन आ रहे हैं, नए बयान आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, वो पॉलिटिक्स आप लोग करिए। अब उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दे दिया, सनातन को बीच में घसीट लाए, हिंदू हिंदुत्व सनातन। पहले अखिलेश यादव ने आरोपियों की जाति को लेकर सवाल उठाए, कहा कि मंगेश यादव को उसकी जाति देखकर गोली मारी गई, यहां तक सब चली जाती पॉलिटिक्स। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कह दिया कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता। माफिया और मठाधीश में, आप सोचिए, योगी कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, माफियाओं के खिलाफ ये, माफियाओं के खिलाफ वो, तो अखिलेश यादव मठाधीशों के खिलाफ वो सब करेंगे क्या? ये जो तुलना उन्होंने की कि माफिया और मठाधीशों में कोई फर्क नहीं होता, तो जो माफियाओं के साथ ट्रीटमेंट है वही अखिलेश यादव मठाधीशों के साथ करेंगे क्या? सवाल उठने लगे। मतलब उन पर सनातन के अपमान के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है सब सोच समझ कर बोला उन्होंने। यूपी में 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होना है, वो सारी चीजें बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कास्ट पॉलिटिक्स की आड़ में सनातन का अपमान क्यों? कैसे ही बयानबाजी वो दूसरे धर्मों के लिए कर सकते हैं, मठाधीशों के खिलाफ बोल? ऐसा करते हैं, आपको बयान वो सुनाते हैं एक बार, फिर आपको बताएंगे उनके बयान को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है। पहले बयान सुनाइए साहब। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचय आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता है? और ये वही पार्टी है जिसने रामचरितमानस को बदनाम किया, ये वही पार्टी है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला, ये वही पार्टी है जिसने गर्व मनाया कि हिंदू राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई। मठ परंपरा की शुरुआत धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने की थी, हर कोई जानता है साहब। मठाधीश, मठ और माफिया की तुलना, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए गए थे, देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों मठ मंदिर हैं जिन पर हिंदू धर्म को मानने वाले देश के करोड़ों लोगों की आस्था है। तो मतलब क्या अखिलेश यादव अपने सियासी एजेंडे के चक्कर में उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, या वो सोच समझ कर ये सब कह रहे हैं? क्या अखिलेश यादव उन सभी मठों के मठाधीश को माफिया समझते हैं? क्या वो ऐसी टिप्पणी दूसरे धर्म को लेकर क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इस नाते वो अपने मठ के मठाधीश हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने सीएम योगी को निशान बनाने के लिए बयान दिया? ये सवाल भी पूछा जा रहा है साहब।
उधर अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसको समझिए, ये कोई आसानी से ये मामला नहीं निपटने वाला है। आज आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। संत समाज गुस्से में है। क्या कह दिया अखिलेश यादव ने? समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद संत समाज में भी आक्रोश है। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास सनातन विरोधी शुरुआत से रहा है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में राम मंदिर विवाद के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सब बीजेपी अब गिना रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामचरितमानस से लेकर हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणियां की, है ना, नफरती रामचरितमानस वो सारी चीजें समाजवादी पार्टी। और अब अखिलेश यादव ने जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए इस तरह का बयान दिया है, क्योंकि यूपी में कुछ सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। उधर अखिलेश यादव के करीबी भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किल बढ़ गई। इस खबर को सुनिएगा। आरोप है कि वो अपने घर पर नाबालिग बच्चियों से बाल श्रम करवाते थे। उनके घर पर पंखे से लटकता हुआ नाबालिग लड़की का शव मिला है। जाहिद बेग ने इस लड़की को काम पर रखा था। ये लड़की उनके घर पर 5 से 6 साल से काम कर रही थी। उसने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच की जा रही है। वहीं श्रम विभाग की टीम पुलिस के साथ मिलकर विधायक के घर पर अब छापेमारी करने पहुंची, तो वहां एक और 15 साल की अनाथ बच्ची मिली। इस मामले को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर लोकल MLA हैं, उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। और अब बात कर न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।